जश्न आजादी है गिलगित बल्तिस्तान के सिलसिले में स्कर्दू में आज प्राइवेट एजुकेशनल नेटवर्क के जरिए तमाम पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई है। इस रैली में बल्तिस्तान के तमाम तक जो प्राइवेट स्कूलों का स्टूडेंट है उन्होंने भरपूर अंदाज में शिरकत की है। इस रैली का मकसद ये है कि जो हमारा हमसाया मुल्क है उन्होंने तरह तरह प्रोपेगेंडे के जरिए गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा करार दे रहे हैं, मगर इस रैली में शरीक स्टूडेंट का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का अटूट अंग है और पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। इस सिलसिले में हम स्टूडेंट से बात करेंगे और मुंतजिम से बात करेंगे। आइए हम आपको रैली में लिए चलते हैं। ये रैली निकालने का मकसद ये था कि हम मतलब पाकिस्तान के मुखालिफ जो वतनी हैं हुते हैं उनको बताना चाहते हैं कि हम मतलब गिलगित बल्तिस्तान हमेशा से पाकिस्तान के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हज़ारों तलबा ने इसमें शिरकत की है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम बेहतरीन अंदाज में इसको इनेकाद करेंगे। और मीर साहब की क़यादत में जिस तरह से ये मुनज़्ज़म रैली आज हुई है तो हम खुद हैरान है कि इतने ज्यादा बच्चे निकल आए और पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे थे और पाक फौज के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आज हम यहाँ रैली से आए हैं और हमने रैली पे गिलगित बल्तिस्तान के नारे भी लगाए हैं और गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और हमने ये साबित करना है कि हमारा दुश्मन जो दुश्मन है वो कान खोल के सुन ले, हम हर वक्त हम आवाज़ होकर आपके लिए तैयार हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। एक्नॉलेज ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट द इंडिपेंडेंस डे ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड टू एक्नॉलेज ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट द रोल ऑफ आवर ग्रेट फोर फादर्स। हमने ये पैगाम देना था मोदी और उसके दुश्मनों को कि रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुए थे उसमें कुछ चरपसंद अनासर ये कुछ गलत नारे लगाकर ये तासुर दे रहे थे कि यहाँ पर जनाब अली लोग पाकिस्तान से खुश नहीं हैं। हमने आज ये साबित कर दिया हज़ारों लोगों को निकाल कर और ख़ासतौर पर बच्चों को निकाल कर कि हम मुहिब वतन हैं और कल भी थे और आइंदा भी हैं और रहेंगे और जब भी पाकिस्तान के सलामती के लिए अगर खून का आखिरी खतरा भी देना पड़े तो गिलगित बल्तिस्तान के जवान, खासकर पाकिस्तान के जवान किसी से पीछे नहीं हटेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के तमाम टीचर्स का, मेरी कैबिनेट का, जिन्होंने भरपूर साथ दिया और इस ऐसे हालात में एक ऐसी खूबसूरत रैली देकर न सिर्फ दुश्मनों को पैगाम दिया बल्कि हमारे अफवाज पाकिस्तान और हमारे ममलिकत पाकिस्तान, खुदादाद पाकिस्तान को खुश कराया। और इंशाल्लाह आइंदा भी जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम अपने आप को तैयार करेंगे।